कहानी प्रभा को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जो कि अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाता है जिसमें वह लोगों को मछली पकड़ते हुए दिखाता है। फिर हम दया से मिलते हैं जो कि इस कहानी का मेन हीरो है। वह मछली ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। एक दिन उसका झगड़ा एक आदमी से हो जाता है गाड़ी लगाने को लेकर। तभी वहाँ पर प्रभा आता है जो कि उस आदमी से लड़ाई करने लगता है क्योंकि उसने दया को धक्का दे दिया था और दया प्रभा को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। इस झगड़े में हमें पता चलता है कि दया को कम सुनाई देता है और वह सुनने के लिए मशीन का उपयोग करता है। झगड़ा खत्म होने के बाद दया मछली डिलीवरी करने के लिए जाता है और जब कस्टमर अपना सामान उतारता है तभी दया अपनी पत्नी को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि वह घर कब आएगा और उसे बताती है कि वह कल हॉस्पिटल जाने वाली है। दया बोलता है कि वह शाम तक घर पहुंच जाएगा। इसके बाद उसकी पत्नी फोन काट देती है। दया 3-4 डिलीवरी करने के बाद अपनी माँ के कब्र में जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम दया को अपनी माँ की मौत पर रोते हुए देखते हैं। दया अपनी माँ का अंतिम संस्कार गाँव में करना चाहता था पर गाँव वाले इस बात का विरोध कर रहे थे। गाँव वाले कह रहे थे कि तुम्हारी माँ का संबंध गाँव के बहुत सारे लोगों के साथ है और हम तुम्हारी माँ को गांव में दफनाने नहीं दे सकते। दया गांव वालों से मदद मांगता है पर गांव वाले उसकी मदद नहीं करते। तभी दया को उसकी दोस्त प्रभा का कॉल आता है जो कि उसे एक और डिलीवरी करने को कहता है। पर दया पहले तो मना करता है और कहता है कि वह घर जाएगा, पर जब उसे पता चलता है कि कस्टमर ज़्यादा पैसा दे रहा है तो वह डिलीवरी करने के लिए मान जाता है। इसके बाद प्रभा उसके गाड़ी में सामान लोड करवा देता है और दया सामान लेकर डिलीवरी करने के लिए जाता है। कुछ घंटों बाद दया उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सामान डिलीवर करना था। फिर जब वह अपने गाड़ी के गेट को खोलता है सामान डिलीवर करने के लिए तो उसे एक झटका लगता है क्योंकि उसके गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी होता है जिसे देखकर वह बहुत ही डर जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है अपने सामान को उतारने के लिए। दया बोलता है कि सर मैं हूं ना, मैं आपके सामान को उतार देता हूं। जिसके बाद दया उस आदमी का सामान उतार कर वहां से चला जाता है और बाद में उस डेड बॉडी को चेक करता है। वह डेड बॉडी किसी लड़की की होती है जिसे गोली मारा गया था। दया को कुछ समझ में नहीं आता कि वह डेड बॉडी उसके गाड़ी में कैसे पहुंची। वह बहुत ही डरा हुआ था। तभी उसे याद आता है कि प्रभा ने उसके गाड़ी में सामान लोड करवाया था तो वह उसे फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि क्या सामान लोड करवाते समय वह वहीं पर था। प्रभा बोलता है कि हाँ मैं वहीं पर था पर कुछ मिनट के लिए मैं दारू लाने के लिए गया था। दया बोलता है कि तुम्हें वहीं पर रुकना चाहिए था। तभी दया पुलिस वालों को देखता है ब्रेकेटिंग लगाकर गाड़ी को चेक करते हुए। दया अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उसके पीछे भी एक गाड़ी था जिसकी वजह से वह गाड़ी बाहर निकाल नहीं पाता और अब उसे लगता है कि वह फंस गया, पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। तभी वहां पर एक एम्बुलेंस की गाड़ी आती है जिसे पुलिस बिना चेक किए वहां से जाने देती है। दया भी इस चीज़ का फायदा उठाता है और एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकाल लेता है। तभी उसके मालिक का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है कि वह इतना लेट क्यों कर रहा है। दया बोलता है कि सर मैं बस 10 मिनट में पहुंचने वाला हूं। जिसके बाद दया उस लाश को डीप फ्रीजर के अंदर छुपा देता है ताकि लाश के बारे में किसी को पता ना चले और गाड़ी लेकर अपने मालिक के पास जाता है और उसे चाबी वापस कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके मालिक के पास एक और काम आया है, एक डेड बॉडी को शमशान घाट तक लेकर जाने का। यह काम उसका मालिक किसी और ड्राइवर को देना चाहता था क्योंकि दया 2 दिनों से घर नहीं गया था। पर दया कहता है कि वह यह काम करना चाहेगा, उसे पैसों की ज़रूरत है। जिसके बाद उसका मालिक यह काम उसे दे देता है। फिर दया अपनी गाड़ी लेकर जाता है। रास्ते में प्रभा का कॉल आता है तो दया उसे डेड बॉडी के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि वह पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और अभी उसे उसके पत्नी के पास होना चाहिए ना कि पुलिस स्टेशन में। जिसके बाद प्रभा दया को उस डेड बॉडी को किसी नदी में फेंकने को कहता है और बोलता है कि इस तरह हम उस डेड बॉडी से छुटकारा पा लेंगे। उसी समय हम एक आदमी को देखते हैं पुलिस स्टेशन में जो कि अपनी पत्नी का गुमशुदा रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था। उसकी पत्नी KN न्यूज चैनल की एक बहुत बड़ी रिपोर्टर थी जिसका नाम कविता नायडू था। नाम सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि कविता नायडू एक रिपोर्टर ही नहीं बल्कि शोषित वंचित लोगों की आवाज़ भी थी। तभी हम कविता नायडू को देखते हैं स्वेच्छा रेप केस का न्यूज देखते हुए। वह इस केस का रिपोर्टिंग करना चाहती थी इसीलिए वह अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि उसे उसकी टीम वापस चाहिए, पर उसका बॉस उसकी टीम वापस नहीं करता और कहता है कि तुम चैनल की वॉइस हो, कंटेंट हेड हो, ना कि रिपोर्टर। इसके बाद वह कहता है कि रेप विक्टिम के परिवार ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाया है
इसका मतलब तुम समझ रही हो, जरूर इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। इससे हमारी जान और हमारी चैनल को भी खतरा हो सकता है। पर कविता नायडू उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हारे चैनल का वॉयस नहीं फेस हूँ, और अगर तुमने मुझे न्यूज़ दिखाने नहीं दिया और मेरे टीम को मुझे वापस नहीं किया तो याद रखना TV7 चैनल वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यह न्यूज़ वहाँ भी दिखा सकती हूँ। यह कहकर कविता नायडू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम दया को देखते हैं जो कि डेड बॉडी को नदी में फेंकने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है डेड बॉडी के बारे में। तो वह बोलता है कि उसके पास कोई भी डेड बॉडी नहीं है। पर बाद में जब वह आदमी उसका नाम, उसके घर का एड्रेस, गाड़ी का नंबर और उसने डेड बॉडी फ्रीजर में रखा है यह सब बात बताता है तो दया बहुत ही डर जाता है और बोलता है कि सर मुझे नहीं पता कि यह औरत कौन है और यह औरत मेरे गाड़ी में कैसे आई। इसके बाद वह आदमी दया को पुलिस के पास जाने से मना करता है और कहता है कि तुम उस डेड बॉडी को सुरक्षित रखना जब तक कि मैं तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हें डेड बॉडी को कहाँ पर डिलीवर करना है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो याद रखना तुम्हारे परिवार को भी खतरा हो सकता है। जिसके बाद दया अपनी गाड़ी को लेकर उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी ने उसे बुक किया था डेड बॉडी शमशान घाट ले जाने के लिए। वह आदमी एक पुलिस वाला होता है। जब ये लोग हॉस्पिटल से डेड बॉडी लेकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी दया को उस आदमी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसे डेड बॉडी कहाँ पर डिलीवर करना है। पर दया उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अभी मैं एक और डेड बॉडी को हॉस्पिटल से ले जा रहा हूँ, मैं आपकी डेड बॉडी कल डिलीवर करूँगा, और फोन काट देता है। क्योंकि तभी वहाँ पर वह पुलिस वाला आ जाता है जिसने इस गाड़ी को बुक किया था। वह पुलिस वाला दया के साथ ही जाता है। रास्ते में दया पुलिस वाले को झूठ बोलता है कि उसके गाड़ी का फ्रीजर खराब हो गया है और उसने फ्रीजर को ठीक करने के लिए एक मिस्त्री बुलाया है जबकि उसने प्रभा को बुलाया होता है। जिसके बाद ये लोग फ्रीजर को ठीक करने के बहाने गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। दया बताता है कि उस आदमी ने उसे कॉल किया था डेड बॉडी डिलीवर करने के लिए। प्रभा बोलता है कि अभी इलेक्शन का समय है और हम डेड बॉडी को लेकर पूरे शहर में घूम नहीं सकते। जिसके बाद प्रभा दया को एक आइडिया देता है और कहता है कि क्यों ना हम इन दोनों डेड बॉडी को आपस में पलट दे, इस तरह हमारी जान बच जाएगी क्योंकि दूसरी डेड बॉडी का डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास होगा। दया पहले तो ऐसा करने से मना करता है पर बाद में मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद प्रभा डेड बॉडी को पलट देता है और दया के साथ ही जाता है और पुलिस वाले को झूठ बोलता है कि अगर आगे फ्रीजर फिर से खराब हुआ तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। कविता नायडू का केस बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला था, इसीलिए इस केस का जांच करने के लिए एक IPS ऑफिसर को चुना जाता है जो कि बहुत ही ईमानदार था। उसका पहला शक कविता नायडू के पति पर ही जाता है क्योंकि उसका और कविता नायडू का तलाक होने वाला था। उसका पति जो कि एक वकील होता है वह कहता है कि आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर केस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यह कहकर उसका पति वहां से चला जाता है। इसके बाद हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि कविता नायडू के डेड बॉडी को अपनी माँ की डेड बॉडी समझकर दफना देता है। इसमें दया और प्रभा भी उसका साथ देते हैं और जब ये लोग पैसे लेकर अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इनकी गाड़ी नहीं है। ये लोग गाड़ी को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पर इन्हें गाड़ी कहीं भी नहीं मिलता। तभी उस आदमी का कॉल आता है जिसने दया को डेड बॉडी डिलीवर करने के लिए कहा था। इस बार कॉल प्रभा उठाता है और अपने स्टाइल में बात करता है। वह आदमी उससे डेड बॉडी के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम लोगों ने डेड बॉडी को पलट दिया। प्रभा उससे अपनी गाड़ी को वापस मांगता है और कहता है कि तुम गाड़ी लेकर आओ, हम तुम्हें डेड बॉडी वापस कर देंगे। वह आदमी कहता है कि ठीक है और वह फोन काट देता है। तभी इन लोगों की नज़र TV में पड़ती है और इन्हें पता चलता है कि वह डेड बॉडी कविता नायडू की है जो कि एक बहुत बड़ी पत्रकार थी जिसे इन लोगों ने दफना दिया। फिर ये लोग उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वह आदमी आता है जो कि इन्हें घुटनों के बल बैठने को कहता है क्योंकि उस आदमी को इन लोगों पर भरोसा नहीं होता। ये लोग उस आदमी की बात मानते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं क्योंकि इन्हें गाड़ी वापस चाहिए था। फिर वह आदमी गाड़ी से उतरता है और इनके पास जाता है। तभी प्रभा का दोस्त चड्डी उस आदमी को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है जो कि असलियत में एक लड़की होती है। यह लड़की कविता नायडू के साथ उस केस की जांच करने के लिए गई थी। जब उसके ऑफिस के सारे लोगों ने कविता नायडू के साथ जाने से मना कर दिया था बॉस के कहने पर, तब यह लड़की सबाना कविता नायडू के साथ गई थी इस केस की जांच करने के लिए। तभी उस लड़की को होश आता है। वह खुद को गाड़ी के अंदर एक फ्रीजर में पाती है। वह लड़की उन्हें वहां से बाहर निकालने को कहती है पर प्रभा पहले उसे पूछता है कि वह आदमी कहाँ है जिससे ये लोग बात कर रहे थे।
वह लड़की कहती है कि मैं वही आदमी हूँ, मैंने वॉइस चेंजर ऐप का उपयोग किया था तुम लोगों से बात करने के लिए। जिसके बाद दया उसे पूछता है कि उसने रिपोर्टर को क्यों मारा और उसकी डेड बॉडी उसने उसी की गाड़ी में क्यों रखी। वह लड़की कहती है कि उसने कविता नायडू को नहीं मारा, वह उसकी मैडम है। फिर वह बताती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, उनसे बचने के लिए उसने कविता नायडू के डेड बॉडी को दया के गाड़ी में छुपा दिया था। दया बोलता है कि किससे बचने के लिए, जिसके बाद वह लड़की बताती है कि परशुराम राजू के आदमियों से, जो कि यहाँ का MLA था। उसका नाम सुनकर ये लोग भी थोड़ा डर जाते हैं। फिर हम कविता नायडू और उस लड़की को देखते हैं जो कि स्वेच्छा रेप केस की जांच करते हुए उस पत्रकार के पास पहुंच जाते हैं जिसने पहली बार इस खबर को दिखाया था। वह कहता है कि जो न्यूज मैंने दिखाया उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। कविता नायडू उससे उस लड़की का एड्रेस मांगती है, बोलती है कि वह लड़की कहाँ है। इसके बाद हम दया और प्रभा को देखते हैं उस लड़की सबाना के साथ, जो कि उनसे पूछती है कविता नायडू के डेड बॉडी के बारे में और कहती है कि वह डेड बॉडी ही हमें बचा सकती है। कविता नायडू ने मरने से पहले एक पेन ड्राइव निकल लिया था, वह पेन ड्राइव ही हमें बचा सकता है। दया कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम्हारी मैडम क्यों मारी गई, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी उसके बॉस का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है कितनी देर में यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद वह कहता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आ रहे हैं, वे लोग तुमसे डेड बॉडी डिलीवर करवाना चाहते हैं। यह सुनने के बाद दया फोन काट देता है और बहुत ही गुस्से में उस लड़की से पूछता है कि उसके टीम में कितने लोग हैं। वह बोलती है कि उसके अलावा कोई नहीं। तो दया बोलता है कि लोग मेरे बारे में पूछने के लिए क्यों आ रहे हैं। वह लड़की कहती है कि जब मैंने तुम्हारी गाड़ी में डेड बॉडी को रखा होगा तो यह चीज़ CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गया होगा और यह फुटेज पुलिस को मिल गई होगी। पुलिस का नाम सुनकर दया बहुत ही डर जाता है। तभी दया को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वह लड़की कहती है कि फोन मत उठाना, यह पुलिस का हो सकता है, पुलिस तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही होगी। जिसके बाद प्रभा उस फोन को तोड़ देता है। फिर हम उस पत्रकार को देखते हैं जो कि कविता नायडू को उस लड़की के पास ले जाता है जिसका रेप हुआ था। वह लड़की कहती है कि आप लोगों की वजह से मैं इस गांव में हूँ, आप लोगों ने धड़ल्ले से न्यूज चलाया बिना सच्चाई जाने। कविता नायडू सबसे पहले उससे माफ़ी मांगती है उसका फोटो दिखाने के लिए और कहती है कि हम यहाँ पर सच्चाई दिखाने के लिए ही आए हैं। वह लड़की बोलती है कि आपके चैनल में सच्चाई दिखाने का हिम्मत है। इसके बाद हम दया, प्रभा और उस लड़की को देखते हैं जो कि उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस पुलिस वाले ने कविता नायडू के डेड बॉडी को दफनाया था अपनी माँ के डेड बॉडी समझकर। और जब ये लोग कविता नायडू के डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे गांव वाले आ जाते हैं। तो ये लोग कविता नायडू के डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं सीधा अपने अड्डे में, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। तभी प्रभा अपनी और दया की फ़ोटो न्यूज में देखता है डेड बॉडी चुराते हुए। उसमें सबाना का भी फोटो था और सबाना के बारे में मीडिया को पता चल गया था कि यह वही लड़की है जो कि कविता नायडू के साथ गई थी रेप केस का जांच करने के लिए। और इनकी गाड़ी का भी तस्वीर CCTV फुटेज में आ गया था, जिसके माध्यम से पुलिस दया के बॉस को उठा कर ले आती है और उससे पूछताछ करती है दया के बारे में। पर उसके बॉस को दया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि दया सस्ते में काम करने के लिए तैयार था, इसीलिए दया के मालिक यानी कि बॉस ने उसे काम पर रख लिया था बिना कोई कागज देखे। उधर दया की पत्नी भी यह न्यूज़ देख लेती है, जिसके बाद दया के पत्नी अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है। और जब पुलिस पूछताछ करते हुए उसके घर में आती है तो पुलिस को वहां पर कोई भी नहीं मिलता। पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी लगा देती है उसकी पत्नी को पकड़ने के लिए। जिस IPS ऑफिसर को कविता नायडू का केस को जांच करने के लिए दिया गया था, वह IPS ऑफिसर बोलता है कि उसकी पत्नी को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, उसकी पत्नी दया से भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम दया की पत्नी को देखते हैं खून से लथपथ। उधर दया को ढूंढते हुए कुछ लोग उसके पास आते हैं उसके अड्डे में। प्रभा बोलता है कि मैं उनसे बात करने के लिए जाता हूँ, पर दया बोलता है कि तुम उनसे लड़ाई करोगे, मैं जाता हूँ। जिसके बाद दया उनसे बात करने के लिए जाता है पर बात नहीं करता, उनसे लड़ाई करता है क्योंकि वे गुंडे दया को वहाँ पर मारने के लिए आए थे। दया सारे गुंडों को जान से मार देता है। यह देखकर प्रभा चौंक जाता है क्योंकि आज से पहले उसने दया को कभी भी लड़ाई करते हुए नहीं देखा था। दया प्रभा को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, पर मैं इन सब सवालों का जवाब तुम्हें बाद में दूंगा। इसके बाद वह सारे डेड बॉडी को गाड़ी के अंदर भर देता है और चड्डी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में दया चड्डी को बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इन सब डेड बॉडी का क्या करना है, तुम इन सब डेड बॉडी को जला देना।
उधर हम उस पत्रकार को देखते हैं जिससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम कबीर था। कबीर परशुराम राजू का ही आदमी था और उसी ने उसे यहाँ पर भेजा था। कबीर उस पत्रकार से उस लड़की का एड्रेस मांगता है जिसका इंटरव्यू कविता नायडू ने लिया था। एड्रेस ना बताने पर वह उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, तो वह पत्रकार उस आदमी को एड्रेस बता देता है। पर कबीर जाने से पहले उस पत्रकार को और उसके पूरे परिवार को जान से मार कर वहाँ से जाता है। इसके बाद हम कविता नायडू को देखते हैं उस लड़की का इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हुए। वह लड़की बताती है कि एक दिन परशुराम राजू जो कि यहाँ का MLA है वह हमारे क्लिनिक में आया था। उसने हमारे सर को पैसे का लालच दिया और एक विदेशी कंपनी की दवा इन लीगल रूप से ट्रायल करने को कहा छोटे छोटे बच्चों पर, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है। हम सब पैसे के लालच में आ गए और जब बच्चों की मौत होने लगी तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वे लोग नहीं माने। इसके बाद परशुराम राजू के आदमियों ने मुझे किडनैप कर लिया और मेरे साथ रेप किया और मेरा वीडियो बना लिया ताकि मैं यह बात किसी को बता ना सकूं। इसमें परशुराम राजू के अलावे उसके बॉस वीरप्पा नायडू का भी हाथ है। यह वीडियो कविता नायडू परशुराम राजू को दिखाती है और उससे पूछती है कि वह कुछ कहना चाहता है। परशुराम राजू उसे कुछ भी नहीं कहता और बोलता है कि आपको जो दिखाना है आप दिखाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। परशुराम राजू का कैरेक्टर बहुत ही अश्लील टाइप का था, वह लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। कविता नायडू का पति जब उसके ऑफिस में जाता है तो कविता नायडू की मैनेजर उसे एक लैपटॉप देती है और कहती है कि हो सकता है कि आपको इस लैपटॉप में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपको पता चल जाए कि कविता मैडम कहाँ है। उधर दया मीट काटने वाले एक आदमी को लेकर आता है अपने अड्डे में कविता नायडू के पेट से पेन ड्राइव निकालने के लिए, पर सबाना उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दया कहता है कि बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है और बाहर जाने का मतलब होगा कि पुलिस हमें पकड़ ले। जिसके बाद दया उस आदमी को पेन ड्राइव निकालने को कहता है। वह आदमी कविता नायडू के पेट को काट कर पेन ड्राइव ढूंढता है पर उसे पेन ड्राइव नहीं मिलता। जिसके बाद दया गुस्से में सबाना के पास जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। वह लड़की कहती है कि अगर मुझे तुम्हें परेशान ही करना होता तो डेड बॉडी मिलने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर गायब हो जाती। फिर दया सबाना से उस लड़की का एड्रेस मांगता है जिसका रेप हुआ था और जिसका वीडियो कविता नायडू ने रिकॉर्ड किया था। सबाना कहती है कि उस लड़की की जान को खतरा है इसीलिए वह सेफ जगह में छुपी हुई है। दया प्रभा को सबाना से एड्रेस लेकर मैसेज करने को कहता है और वहां से चला जाता है। तभी हम कबीर यानी कि उस किलर को देखते हैं उस लड़की के घर में जिसका रेप हुआ था। वह लड़की कहती है कि तुम मुझे मार दो पर दादी को छोड़ दो। कबीर बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वह अपना बंदूक उस लड़की की तरफ करता है जिसके बाद वह लड़की उस बंदूक को लेकर खुद को गोली मार लेती है। पर कबीर भाई उसके दादी को जिंदा नहीं छोड़ता, उसे भी जान से मार देता है और वहां से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वह लड़की मरी नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है। वह लड़की अपनी दादी को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। उधर हम दया को देखते हैं एक आदमी को कॉल करते हुए। दया उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। वह आदमी बोलता है कि हाँ। इसके बाद वह आदमी अपना फोन स्विच ऑफ करके नीचे फेंक देता है और दया की पत्नी को लेकर पानी के रास्ते इस शहर से बाहर निकल जाता है नाकाबंदी को चकमा देकर। तभी प्रभा को कॉल आता है उसके दोस्त चड्डी का जो कि उसे बताता है कि एक आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद प्रभा दया को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। दया उसे रोकने की कोशिश करता है पर प्रभा उसकी बात नहीं मानता और उसे बचाने के लिए जाता है। दया भी अपनी गाड़ी घुमा लेता है प्रभा और उसके दोस्त चड्डी को बचाने के लिए। इसके बाद हम फिर से कविता नायडू और सबाना को देखते हैं उस पत्रकार का इंतजार करते हुए एक नाव में। तभी वहां पर परशुराम राजू का बेटा आता है जो कि उससे पेन ड्राइव मांगता है जिसमें उसके पिता का वीडियो रिकॉर्ड है। तभी कविता नायडू उस पेन ड्राइव को मुंह में डालकर निगलने की कोशिश करती है। उसका बेटा कविता नायडू को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे गोली मार देता है। यह देखकर सबाना उसे पानी में धक्का दे देती है और कविता नायडू के डेड बॉडी को लेकर वहां से भाग जाती है। और बाद में सबाना कविता नायडू के डेड बॉडी को दया के गाड़ी में छुपा देती है। इसके बाद हम प्रभा को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए गया था, उसे उसका डेड बॉडी मिलता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि कबीर था। वह प्रभा को मारकर बेहोश कर देता है और प्रभा को दया के गाड़ी में भरकर उसे अपने साथ ले जाता है। तभी रास्ते में कबीर सबाना को देखता है और उसका पीछा करता है। वह लड़की बोलती है कि तुम किसके आदमी हो, वीरप्पा नायडू के या फिर परशुराम राजू के। कबीर बोलता है कि दोनों का। जिसके बाद कबीर उसे पूछता है दया के बारे में फोटो दिखाकर। वह कहती है कि अगर मैं तुम्हें दया के बारे में बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। वह बोलता है कि हाँ। तो सबाना उसे बता देती है कि दया कहाँ पर है, पर कबीर सबाना को वहाँ से जाने नहीं देता, उसे मारने की कोशिश करता है। पर सबाना के पास एक चाकू होता है
जिससे सबाना कबीर के पैर में हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है और बाद में एक नदी में कूद जाती है। उधर परशुराम राजू से पूछताछ करने के लिए वही आईपीएस अधिकारी आता है जिसे कविता नायडू का केस दिया गया था। आईपीएस अधिकारी उससे पूछता है कि कविता नायडू आखिरी बार आपसे मिलने के लिए आई थी, इसका क्या कारण था। परशुराम राजू उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि वह एक पत्रकार थी और वह मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। फिर हम दया को देखते हैं अपने अड्डे में प्रभा को ढूंढते हुए। तभी उसे प्रभा का आवाज़ आता है और जब वह जाकर देखता है तो पाता है कि प्रभा को किसी ने उल्टा लटका कर रखा है। दया उसे बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता क्योंकि तभी प्रभा की मौत हो जाती है। दया रोने लगता है, तभी वहां पर कबीर आता है पीछे से, जो कि उसके ऊपर बंदूक तान देता है पर दया उसके ऊपर एक चाकू से हमला करके उसे जान से मार देता है और कहता है कि तुम्हारी मौत वीरप्पा नायडू के लिए मेरा एक निमंत्रण होगा, वह समझ जाएगा कि मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दया का ओरिजिनल नाम सत्या है। फिर दया कबीर के डेड बॉडी को लकड़ी काटने वाली मशीन में डालकर काट देता है और प्रभा को अपनी माँ के कब्र के ठीक सामने दफनाता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि दया गाँव वालों से मदद मांगता है अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता। तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़का आता है उसकी मदद करने के लिए जो कि दया था। उधर परशुराम राजू का बेटा अपने पिता की जगह लेने के लिए और नेता बनने के लिए उसे जान से मार देता है। दया कविता नायडू के डेड बॉडी को उसके पति के पास भिजवा देता है। फिर हम दया की पत्नी को देखते हैं एक बच्चे को जन्म देते हुए। मूवी के अंत में हम सबाना को देखते हैं एक बस में और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।